कुछ दिनों बाद आचार संहिता लगने वाली है। अभी हम मौजूद है स्वास्थ्य भवन के सामने, जहां पर सैकड़ों की संख्या में फार्मिस्ट भर्ती से जुड़े बेरोजगार यहां पर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ फार्मिस्ट भर्ती से जुड़े बेरोजगार हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। भैया, किन मांगों को लेकर आप? हमारी प्रोविजनल लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है, हमारा डॉक्यूमेंट एक महीने से ऊपर हो गया और अभी भी हमारा पीपीवी जारी नहीं कर गया, हमें नियुक्ति नहीं दी जा रही उसमें। इसलिए हमारी डिमांड है कि जल्दी जल्दी प्रोविजनल लिस्ट जारी करें और हमें नियुक्ति दी जाए। भैया, कुछ दिनों बाद आचार संहिता लगने वाली है, सरकार अभी क्यों नहीं सुन रही? सरकार तो सुनना चाहती है, लेकिन ये जो अधिकारी लोग है ये पूरा इसका करप्ट कर रहे हैं। अधिकारी लोग इस लिस्ट को निकालना ही नहीं चाहते। अब सरकार मुख्यमंत्री महोदय जी ने 2011 में इस योजना को किया कि आम जन तक ये योजना पहुंचे, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि अधिकारियों के इस बर्ताव के कारण अगर फार्मासिस्ट लिस्ट नहीं आई तो ये जो योजना है ये पूरी तरह से विलुप्त हो जाएगी, इस हिसाब से तो नहीं लगता है। तो आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि अधिकारी लोगों को दबाव बनाकर बोलो कि हमारी लिस्ट जारी करे। देखिए, ये फार्मिस्ट भर्ती से जुड़े बेरोजगार यहाँ पर सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ बेरोजगार हो रहे हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। भैया, आज ये पिछले 10-11 वर्षों से फार्मासिस्ट भर्ती पूरी नहीं हुई है। वर्तमान सरकार ने पिछले 5 साल में एक भी भर्ती पूरी नहीं करी है। हमारी सिर्फ एक मांग है, आचार संहिता से पहले फार्मासिस्ट की प्रोविजनल सूची जारी करे, अविलंब जारी करे। जब तक ये सूची जारी नहीं होगी, ये हजारों की संख्या में फार्मासिस्ट यहाँ से हिलने वाले नहीं है। चाहे रात को यहाँ सोना पड़े, चाहे सड़कों पर रात बितानी पड़े, लेकिन हम अपनी सूची लेके जाएंगे। हमें हर हाल में हमारी सूची चाहिए, सूची चाहिए, सूची चाहिए, सूची चाहिए। सर, लगातार आप पिछले 3 दिन से यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं? 3 दिन से नहीं, हम लोग 11 साल से संघर्ष कर रहे हैं। 2011 में MNDI 2 अक्टूबर 2011 को फार्मासिस्ट मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना चालू हुई थी। ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट 1940-1945 ये बोलता है, एक भी दवाई बिना फार्मासिस्ट पेशेंट नहीं खाएगा, इसकी अवहेलना हो रही है। एनएम बहने वार्ड बॉय दवाइयाँ दे रही है, फार्मासिस्ट रोड पर दर दर के ठोकर खा रही है। मैं 45 साल को क्रॉस कर गया हूँ, RBS के यूनिट का मैं अंदर काम कर रहा हूँ। इसमें बड़ी योजनाएं होती है, हार्ट डिजीज होती है, कॉन्जुनाइटल हार्ट डिजीज होती है, जिसको आंगनबाड़ी और स्कूल के बच्चों को हम स्क्रीनिंग करके निकाल के इनका ऑपरेशन कंजुन डीफनेस का 6.5 लाख का होता है, हार्ट का 2 से 2.5 लाख का होता है, ऐसे ऑपरेशन करवा रहे हैं मुख्यमंत्री साहब की इसकी मेन धारा में काम कर रहे हैं हम लोग। और हमारी एक्चुअल कंडीशन ये है कि हम भूखे मरने को कगार रहे हैं। 8,000 में हमारे घर का खर्चा नहीं चलता। 13 साल से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं। सरकार को सोचना चाहिए, इतनी बड़ी योजना जो एशिया के अंदर नंबर 1 है, फार्मासिस्ट नई नियुक्ति, आज PM साहब भी हैं, जब ये गुजरात के CM थे तो इनका डेलीगेशन हमारे CM साहब अशोक गहलोत जी के पास आया था, इसकी व्यू करने का, आपसी योजना को कैसे सक्सेस किया। आज हमको जान के बड़ा दुख हो रहा है कि CM साहब इसी योजना के अंदर रहते हुए भी इनका हम लोगों के परमानेंट नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। हम लोग 7-8 हज़ार रुपये में गुजारा कर रहे हैं। अब हमारे पास में लास्ट ऑप्शन भी नहीं रहा है, क्योंकि हम निकट भविष्य में और एज होने हैं 50% 45 क्रॉस करके हैं, 47 का हूं मैं, आगे भविष्य में अब हमारी ये लिस्ट नहीं निकल पाती है तो हमारा कोई फ्यूचर नहीं है इस योजना में। 8 कैडर सारे कंप्लीट होने के कगार पे है, फार्मासिस्ट को छोड़ करके 7 को कंप्लीट किया गया है, बाकी इनको इसको पहले प्रायोरिटी पे लेना चाहिए था। फार्मासिस्ट मील का पत्थर है। भैया, आप कहां से? हमारे के बीच में, मैं भैया जयपुर से ही हूं और ये वैकेंसी काफ़ी टाइम से अटकी पड़ी है हमारी। हम पिछले कई दिनों से यहीं पे है और दर दर ठोकरे खा रहे हैं, कभी किसी अधिकारी के यहाँ जा रहे हैं, कभी किसी मंत्री के यहाँ जा रहे हैं, कहीं से हमें कोई उम्मीद की किरणें नहीं दिखाई दे रही है। और जहाँ जाते हैं वहीं से हमारे को ठुकरार दिया जाता है और हम यही चाहेंगे कि हमारी वैकेंसी को पूरा करें। जब तक और हमारी प्रोविजनल लिस्ट आ जाती है तो हमें लगेगा कि हमारी वैकेंसी पर भी कुछ काम हो रहा है, बाकी तो हमें पिछले कई दिनों से यही लग रहा है कि हमारे और कोई ध्यान नहीं दे पा रहा है। देखिए, ये बेरोजगार लगातार फार्मिस्ट भर्ती से जुड़े हुए हैं और ये सरकार से प्रोविजन लिस्ट की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ हो रहा है, उनसे बात करेंगे। भैया, जारी करो। देखो, हमारे सब साथी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, हमारे सभी साथी यहाँ इकट्ठा इसलिए हुए हैं कि हमारी प्रोविजन लिस्ट हमको चाहिए। सभी अधिकारियों ने मन बना लिया कि इस कैडर को भर्ती नहीं देनी है और हम ये भर्ती लेके रहेंगे। हम सिफू में बैठेंगे, ताड़ा लगाएंगे वहाँ पे, एक भी अधिकारी को बाहर नहीं निकलने देंगे जब तक हमारी प्रोविजनल लिस्ट नहीं आती। हम वहाँ पर इकट्ठे रहेंगे और एक को भी बाहर नहीं आने देंगे। हमें सिर्फ 12 साल से संघर्ष चल रहा है, एक को भी बाहर नहीं आने देंगे। हमें ये लिस्ट चाहिए,
सिर्फ ये लिस्ट चाहिए, उसके बाद में आचार संहिता लगती है नहीं लगती है उसके आगे की देखते हैं। आज सभी कैडरों की प्रयोजन लिस्ट आ चुकी है, हमारी नहीं आई। क्यों, हमने क्या गलत किया है? 10 साल से संघर्षरत है, 7-8 हज़ार रुपये में हमारे घर पाल रहे हैं, क्या करें बताओ? आप लोग ये सोचो, सीएम सर को कह रहे हाँ भर्ती होगी, निकाल दी वैकेंसी, लेकिन क्या है वहीं अटके पड़े हैं। जो सबसे पहले वैकेंसी होनी चाहिए थी वो आज भी पेंडिंग पड़ी है। हमें सिर्फ ये प्रोविजन लिस्ट चाहिए, आचार संहिता लगती है नहीं लगती है उसके बाद हम अपने आगे देखेंगे। अभी हमें लिस्ट तो दो कम से कम, हमारी यही पड़े रहेंगे और उस गेट सिप्पू के गेट के सामने रहेंगे। कुछ महिला अभ्यर्थी भी यहाँ पर स्वास्थ्य भवन के सामने मौजूद है। मैम हम कितनी दूर से चल के हैं, हमारे बच्चे सास ससुर सबको साथ लेके हैं, होटल में रुके हुए 3-4 दिन हो गए हमें, और कितने दिन हो गए, 10 साल से हम परेशान हैं। कितने 8 हज़ार में क्या होता है बताओ आप, कुछ भी नहीं होता, किसी का भी घर नहीं चलता। लड़के चलो फीमेल तो चलो हमारे हस्बैंड थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं, लड़के कैसे चला रहे हैं काम बताओ। सोच ही नहीं रही सरकार की, कुछ तो होना चाहिए ना हमारे लिए, और डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ हो चुका है। पीवी निकालने में कहाँ दिक्कत है, जो फर्जी लग रहे हैं उनकी लिस्ट रोक ले, बाकी की तो जारी करें ना कम से कम। मैम आपका सीकर से हाँ जी सर, हाँ सरकार से कोई वार्ता नहीं हुई है। डीवी लिस्ट आए हुए 1 महीना हो गया है, लेकिन पीवी लिस्ट अभी तक जारी नहीं हुई है। उसी के लिए परेशान हो रहे हैं, उसी के लिए आज इतनी संख्या में हम इकट्ठा हुए हैं। देखिए ये अभ्यर्थी लगातार सरकार पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं, हमारे साथ संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात करें। सबसे पहले तो दार नगरी मीडिया को हमारा धन्यवाद, आप उनको लगातार कवरेज कर रहे हैं, और जैसा आप देख रहे हैं 4-5 दिन से आप भी कवर कर रहे हैं, हज़ारों की संख्या में फार्मासिस्ट यहाँ पड़े हुए हैं, लेकिन सरकार के कान में जू तक नहीं रहेंगे अब तक ना। आचार संहिता में 2 दिन बचे हुए हैं, सभी की प्रोविजनल लिस्ट जारी हो गई है। एक नर्सिंग जो बिल्कुल पिछले पायदान पर चल रहा था, फाइनली उसकी भी कल उन्होंने डाल दिया राजघाट पर। हमारी फाइल का अभी काम भी शुरू नहीं किया है ना, आज तक की जो रिपोर्ट है, हम लोगों ने उस दिन जब मुलाकात की थी डायरेक्टर सर से, तो उन्होंने बोला था कि 5 तारीख को एनआईयू हम एनओ की कंप्लीट कर देंगे, उसके बाद में हम फार्मासिस्ट का काम लेंगे। तो हमने 6 तारीख को उनसे वापस डेलीगेशन जाने के लिए बात की थी, आज हमारा डेलीगेशन जाएगा। अगर आज भी हमारा काम पुटअप नहीं होता है, हमारी प्रोग्रेस में नहीं आती है फाइल, और हमको वो कमिटमेंट नहीं करते हैं, कल की डेट तक हम एटलीस्ट आपकी लिस्ट जारी कर रहे हैं, तो फिर ये जो लोग आप देख रहे हैं हज़ारों की संख्या में, कल से 2-3-4 संख्या में इकट्ठे होंगे और अनिश्चितकालीन समय तक यहाँ बैठेंगे जब तक हम अपनी प्रोविजनल लिस्ट जारी नहीं कर लेते हैं। 2-3 दिन बाद आचार संहिता लगने वाली है, आपकी प्रोविजनल लिस्ट नहीं आई तो आपका क्या? हम अभी तो पहले तो टारगेट ये है कि हम इससे पहले अपनी जारी करवा लें। हम लोग आज जो इतने लोग इकट्ठे हुए हैं उनका सबका टारगेट यही है कि हम लगातार दबाव बनाएं और सरकार तक हमारी बात पहुँचे और लिस्ट इससे आचार संहिता से पहले जारी हो। अब वो आज क्या जवाब देते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है हमारी आगे की प्रतिक्रिया। भाई साहब पिछले 10 सालों से निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, परंतु परिणाम कुछ 0 है। आचार संहिता वर्तमान में लगने वाली है लेकिन परिणाम 0 है। 8 कैडरों की भर्ती हुई परंतु 7 कैडरों की लिस्ट निकलने के कगार पे है। हमें क्यों रोका गया है उसका जवाब चाहिए हमें। बिना जवाब ले आज यहाँ से ही लेंगे नहीं। और संविदा का दंश अलग भाई साहब मदन जी है, और 15 साल से लग रहे हैं ये सरकार की सेवा में, लेकिन अभी तक इसका 10 साल हो गए, 10 साल में फार्मासिस्ट की एक भी नियुक्ति नहीं हुई। तो हम तो चाहते हैं कि जल्दी जल्दी ये प्रोविजन लिस्ट जारी हो। और इस कोरोना में महामारी में हमने सहायता करी थी, और लेकिन आज गवर्नमेंट हमें क्यों महत्व नहीं दे रही है? जब इन्होंने MNDY चलवाई थी, जब इन फार्मासिस्टों को 8-8 हज़ार 5-5 हज़ार रुपये के वेतन में लगाया हुआ, हमने इसको साकार किया, फिर भी हमारे साथ में खिलवाड़ हो रहा है। मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी की ये अहम योजना है, इसको हमने साकार बनाया 5-5 हज़ार रुपये में काम करके, फिर भी क्यों हमारे साथ क्यों? ये अधिकारी क्या इनसे बड़े हो गए सरकार से? सरकार की मन से काम करने की नहीं, सरकार चाहे तो अधिकारी अपने आप काम करेंगे। ये जो भर्ती है 11 साल बाद में सरकार ने जो संविदा फार्मासिस्टों के साथ अन्याय कर रही है उसके विरोध में हम ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सरकार ने पहले 2018 में भर्ती निकाली, उसको निरस्त किया, फिर दोबारा 2022 में निकाली, फिर तिबारा 2022 में निकाल करके और 8 कैडर की भर्ती निकाली, जिनमें से 7 कैडर की तो पीवी लिस्ट जारी कर दी गई है और 1 कैडर जो फार्मासिस्ट है इसकी भर्ती को उसकी पीवी लिस्ट जारी नहीं की है। हमारी आगामी रणनीति है, हम अभी यहाँ से सिप्पू कार्यालय जा रहे हैं और सिप्पू कार्यालय पर घेराव करेंगे और वहाँ पर मैं दीपक कुमार चंगाणी जब तक पीवी लिस्ट जारी नहीं करते तब तक अनशन पर रहूँगा,
चाहे इसके लिए कितना भी समय लग जाए। अभ्यर्थी लगातार सरकार पर आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं सुनील कुमावत, मेरे कैमरामैन सहयोगी संजय।